अप्रैल में सदर मजलिस की हिदायत पर मलकपेट में हर साल दो से तीन, कम से कम दो जॉब मेले मुनक्किद किए जाते हैं। आज यहाँ ग्रैंड अप्रैल में भी यहाँ पर जॉब मेला रखा गया है जिसमें 65 से ज़्यादा कंपनियों ने हिस्सा लिया है, और उसके साथ ना सिर्फ ये आईटी नॉन आईटी कंपनीज, उससे हट के भी हमने यहाँ पर कॉम कॉम वालों को भी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से का डिपार्टमेंट है, जो बाहर लोगों को जो ये मौके हैं, जो कंट्रीज के अंदर नौकरियाँ हैं, वो डिटेल्स भी देते हैं, और बगैर किसी किस्म से, बगैर कहीं से चीट हुए के फ्री में लोग बाहर भी जाके अपनी फ्यूचर के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए यहाँ पे नौकरियाँ जो उनको सूटेबल है वो ले सकते हैं। बहरहाल हमने तमाम कंपनी से और उनके जो जिम्मेदार है, ध्रुव वाले है या इबनात फाउंडेशन है, उन तमाम लोगों से बात की है और यही कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले। और मैंने बच्चों को और नौजवानों को भी यही कहा है कि टू स्टार्ट विथ, जो जॉब मिल रहा आप स्टार्ट करिए, बाद में अच्छे की उम्मीद करिए, पहले वक्त ही अच्छा होना बोलकर मत सोचिए। बहरहाल कुछ नहीं करने से कुछ करना बेहतर है। मजलिस की हमेशा ही कोशिश रही है कि जबकि आज हिंदुस्तान में बड़े बड़े आईटी कंपनीज भी आईटी प्रोफेशनल्स को रातों रात नौकरियों से निकाल दे रही है, नौकरियां ख़त्म कर रही है, हमारी हमेशा से कोशिश ये रही है कि हम गवर्नमेंट तो नहीं है लेकिन हम पैरेलल ही ये कोशिश करते हैं कि हमारे नौजवानों को, बेरोज़गार बच्चे बच्चियों को जहाँ कहीं भी रोज़गार के मौके हैं वो मौके उनके सामने लाए और उसका इस्तेफादा उन लोग उठाए। मजलिस की यही कोशिश है हमेशा।